न्यूज़ में आने का समय, न्यूज़ में आए बात अच्छा हो जाना, अच्छा नहीं हुआ तो अच्छा दिक्कत हो जाता है, दुकान का दल होगा अभी पूरा गली वाले करना, पूरा गली वाले एक होना, निकलते सबको उनको डर रहे, हम ना बेचित मिलता उनको बेचित मिलता कर को फोन भी बोलते नहीं, क्या हमें आंटी चीज क्या बोला गली के अंदर जभी बोलिया करके उसके जो के ऊपर शुरू हो जाती, कौन भी नहीं आजू बाजू गली में। अस्सलाम वालेकुम, मैं सफदर खैसर कौसर न्यूज़ से। हर एक को अपने अपने तौर पर जीने का पूरा हक है और इस मुल्क में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो ये हक देता है कि तमाम को इंसाफ दिया जाए और अपने माहौल यानी अपने घरों के अतराफ जो माहौल है अगर उसमें वहाँ पे जुर्म फैल रहा है, चाहे वो शराब हो या सिगरेट नोशी हो या किसी तरह का भी ऐसे जो मंशियात का मामला हो जिससे इंसान की ज़िंदगी में खलल पड़ सकता है, ऐसे आवाज़ उठाना हर एक का एक अखलाकी और मिली फरीजा है। मैं अभी वार्ड नंबर 34 बीडी क्वार्टर्स में आया हुआ हूँ, यहाँ पे बिल्कुल करीब यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट स्कूल है और यहाँ मस्जिद भी बिल्कुल करीब है, ऐसी गली में मौजूद हूँ जहाँ के लोग एक घर में शराब फरोख्त करने को लेकर परेशान है। पिछले दिनों में यहाँ पे आया था किसी और काम से, असमत शरीफ के एक न्यूज़ बनाने पे यहाँ पे आया था, तो वहाँ पे मुझे एक मोहल्ले के एक ज़िम्मेदार ये इस बात को बताए थे, तो मैंने उनसे कहा था कि पुलिस को इस बात की इतला दें, तो मेरे सामने ही उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी कि इस तरह का यहाँ पे मामला हो रहा है। लेकिन अफसोस और ताजुब यह बात है कि 15 दिन शायद मैं यहाँ पर आकर 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन 15 दिन के बाद भी इन लोगों की हालत वही है जो पहले थी। यानी कब से ये हालत है, कब से शराब फरोख्त हो रही थी, यहाँ के लोगों को क्या मसला है इस शराब को बेचने को लेकर, खुसूस यहाँ पे ख्वातिर रहते हैं क्योंकि मर्द हजरात तो सुबह निकलते हैं शाम तक अपने कमाई के लिए जाते हैं, जो यहाँ पे खातून रहते हैं वो शराब लेने के लिए जो लोग आते हैं वो कोई नेक इंसान तो नहीं होते, शराब खरीदने जो आते हैं उनकी नीयत क्या होती है आप तमाम को पता है। ये खातून डरी हुई हैं, इन्हीं लोगों से मालूम करूँगा ताकि आपको मालूम हो कि वार्ड 34 यानी बीडी क्वार्टर जिसे आमतौर पर हम कहते हैं वहाँ इस तरह का खुलेआम शराब को फरोख्त करना, इन लोगों के चेहरों पर जो परेशानी है वो तमाम तफसीलात तो आप देखिए और इस न्यूज़ को ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जी मैं क्या मसला है यहाँ का? मसला बहुत खराब है भैया, यहाँ का ये पीने आती गालियाँ दे लग बैठ जाती, बाहर निकलने होता नहीं, घर में देखे छोटे छोटे बच्चे रहती सो ये सब सुने तो तुम्हें अच्छा क्या बोलो ये सभी। बिल्कुल, कब से ये बहुत साल से है भैया, बहुत साल से है, क्या क्या किच करे कम्प्लेट करे बहुत कुछ कर डाले मगर क्या भी तो हल हुआ नहीं, अब तुम्हें इसके बाद का इंशाल्लाह देखेंगे, नहीं अच्छा होता क्या खराब होता इसके बाद देखना सब हमें करने वाला। लेकिन बहुत साल से हमें भी सबर खा रही, क्या क्या किच हमें भी कर डाले, खास घर दे छोड़ को भाड़े घर को भी चले गए, की कहते हैं का माहौल वैसा है, अब हाँ इसके बाद बोलो हम ना बहुत तकलीफ है भैया ये इससे। आपके हिसाब से कितने साल से ये ऐसा है, अब कहाँ पे शराब कहाँ बेचते थे? यहाँ शराब बेचती है, सामने का घर, बिल्कुल जो आप खड़ी हैं उसके बिल्कुल सामने का सामने का घर। हाँ, कितने साल से आप देख रही हैं? ये है भैया बहुत साल से है ये, 20-25 साल से भी है ये, बंद नहीं होगा है। पहले एरिया के कारपेंटर एसडीपी वाले तमाम वो कारपेंटर पुलिस वाले कहते हैं क्योंकि कंप्लेंट चलेगा, बहुत जने हैं कि कंप्लेंट घर को भी होगा, नहीं हुआ क्या भी हल नहीं हुआ, एक जरा खोती चे एक 10-15 लहाजे बता चे और उनका काम होना मामूली करती, आने के मरद बने आती कहाँ कहाँ से की जाती, हमना बच्चे छोड़े सरकानी हमें फिर है सरकानी, क्या गाली होती थी खराब देलक बैठे रहती, अम्मा भाना किसी भी गाली नहीं, अच्छा वैसा सब सुन ले को घर में रहने होता क्या बोलो तुम्हें। मेरा नाम अर्शिया जी, मैं इधर ही सामने चले चुनसो जी, मैं भी यहाँ को 10 साल यहाँ मंजे बैको बच्चे हिंसो, बाहर निकलने नहीं होता, पीवटा लाइन से खड़े रहती, अच्छा बाहर मैं बासना धोना, हमारी बच्ची भी बाहर स्कूल को जाना, परेशानी बहुत है, गालियाँ तो ऐसे देती, अंदर चले आना बासना रख डाल को मैं अंदर चले जाती हूँ, बाद में बाहर आको उन्हें चले गया बाद आपको मैं बाहर बासना धोले के बैठी हूँ, बहुत 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 परेशानी है, 10 साल से बल्ला का बोल को कंप्लेंट सब होगा, क्या अभी हल हो को नहीं है, इंशाल्लाह अब तुम्हें क्या है सो देखो मसला ये आसान करना। नहीं, हमारा काम ये है कि आपका जो मसला है वो तमाम लोगों के सामने पेश करें क्योंकि हमारे देखने वालों में हजारों लोग हैं और आपकी फिगर तमाम की फिगर इंशाल्लाह बनती है और ये मसला जरूर खत्म होता है। आपका नाम बताओ। अस्सलाम वालेकुम, हिना को सर जी, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? जी मैं उधर कोने में रहती हूँ सर, येज गली में रहती हूँ, येज गली में कोने में इनके घर के बाजू जी। आज सुबह में ऐसा, कल सुबह में ये मेरी बच्ची रात सभी सोती नहीं, सुबह ही उठे तो ये बमड़ी खाली गालियां के सिवा क्या भी नहीं, इतने खराब गंदा हो गया है।
ये हमारे हस्बैंड एक बारह में एक टाइम आती काम से उनको एक राहत ही नहीं, एक दो दिन आको रहेंगे का तो राहत ही नहीं, खाली गालियां देना गालियां देना। इनो आको सुबह ही कल खाली वत्ताज बोले सो उठो भाई यहाँ से जाको तुम्हारा काम देखो जो क्या भी काम नहीं किया, बच्चे सो रही नहीं ना पीला पीला पीने का है पीलक चलते रहो यहाँ से कहीं को यहाँ खड़े करको बोले तो इन कुछ पकड़ को चार जने यहाँ दीवार को लगा किनके चो दारू के दुकान के बाजू चार जने पकड़ को मार को फुल इनको भाई सामने इनको मार चार जने पकड़ को मारे सो क्या हुआ चार जने पीलक थे मई बोला उठो जाओ तुम्हें जी कई को गालियां दे लगे हम बच्चे भी सॉरी नहीं तो तुम्हारा घर तरफ चले जाओ। नहीं पहले तो शराब बेचना गलत है उसके ऊपर ये माहौल की मार को एक चार जने हमारी गाड़ी भी चुरा ले चली अच्छा भाई आपको मार पड़े है हमला हुआ आप पर है गाड़ी भी चोरी हुई आप पुलिस की रिपोर्ट नहीं करे आपको क्या होना सुना हमारा बान भोनी क्या बोल रहे बोले तो कल जो शराब भी हम बेचता है वो लोग यहाँ तो उनको हमला करी और गाड़ी भी चुरा ली उन्होंने बोल रहे हैं आप पुलिस स्टेशन में मतलब गाड़ी को कंप्लेंट कर को मैं चोर को पकड़ा गाड़ी भी पकड़ा गाड़ी भी स्टेशन में है जी। पूरा हल्लोगा चोर को भी स्टेशन को दिया लिया मैं अभी नो दारू बेचने वाला मई गली में रखो मई पूरा सिर बनना सो मेरा बहुत से चीजा गई यहाँ यहाँ दारू पीने आती सैयद जबी जी दारू पीने यहाँ को आती है रात के 11 बजे 12 बजे क्या मिलता आपको अच्छा, मेरे बकरे चोरी गई साइकिलां चोरी गई बहुत से चीज आ गई मेरे यहाँ अच्छा, लास्ट कोई 8 दिन से क्या हुआ इनकी गाड़ी गई जी। चोर को भी पकड़ा पुलिस को इन्फॉर्म कराया गाड़ी भी स्टेशन को पहुंचाया फिर दूसरे दिन क्या हुआ आए यहाँ सामने से सीढ़ी खड़े देखो यहाँ दारू पीने आए ऑटो में रख ले को गए वो भी पकड़िया पुलिस का काम मई करना कारपेटर का काम मई करना तुम ना जिताना सो हमें काम मई करना सो घर में होना किसका नाम खराब हो रहा सो सभी की जोर को खराब कर रहे हैं आज में अच्छा मैं अच्छा कर रहा हूँ ना मैं कल सुबह को दारू बंद कर आया इसे पकड़ को मारे ना चार जने उनको मैं भी मार को चार जने को भगाया उनको उनको भगा एक बार दारू के दुकान को आको गलाटा करको पूरा वीडियो पकड़ को मैं क्या करा दारू नहीं बेचना तू किसे बुलाती है बुला ले मैं हाथ डाल ला लू बंद कराता हूँ जी 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 लास्ट को ले लगा कौन भी बैठना नहीं और गोबर तलक भी झाड़ में लगा काम तलक भी कल करया मैं यहाँ जी जी कौन भी हमारी गली में आको बैठना नहीं मेरा घर भी है पूरे भाई को बच्चे रहे मेरे भी आज तलक हमारे एरिया के अंदर बाहर की कौन भी एक निस्बत आको शादी कर ले को जाको नहीं यहाँ से छोकरिया भागना सो डिसीजन है एरिया के अंदर कहाँ से भी निस्बत है तो खाली एरिया का नाम सुनते वैसा चल जाती तुम्हें कैसी भी छोकरी लगा जो नहीं आते कोचे तो अभी पीवट को नहीं गान जोड़ को नहीं चोर को ललक भागना से भाई को बच्चे रति बड़े होते के मैं चले आना वाले को इज्जत वाले कौन भी आते नहीं है जी जी हमें यत्ता सब सबर कर को हमें बचपन से यहां गुजार डाले सो अब हमना सबर करना नहीं हो रहा हमना धंधा बंद करना वहाँ तो कहाँ से होता उन्हों क्या होता करें थे हमारी भी अति कैपेसिटी बंद कराती अच्छा जरूर अब कल लपे यहाँ घर के अंदर के मुझे वीडियो भी आप दे रही कि वहाँ शराब थी वो अब फिलहाल अभी भी है क्या वहाँ पे अब कहाँ कल से बंद करा लियो क्या भी नहीं है कल से बंद करा लियो मैं पूरा वीडियो भेजता हूँ तुम ना वो जरूर और आगे अगर ऐसा हुआ तो आप क्या स्टेप लेते आगे हुआ तो क्या भी नहीं मैं घर ही डेमोलिशन करने बैठी हूँ आज ही जी 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 पूरा घर ही डेमोलिशन करने कल से रेडी हूँ मैं बिल्कुल नहीं चराना कौन भी होना सबसे पहले तो ये जो हादी साहब होकर है आज के तकरीबन एक साल मेरा नाम सिद्दीक पाशा बोल गया सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी SDP की तरफ से वार्ड मेंबर हूँ मैं। अच्छा बोलो सबसे पहले तो एक साल या एक साल दो महीने वाले ऐसा चेक हादी साहब पेश हुआ था तो उस हादी साहब को रोकने के वास्ते बहुत सारे जद्दोजहद करे तो चंद महीने तक चंद दिन तक वो हादसे को रुकिया भी था यहाँ पर फिर उसके बाद में सस्पेंस में ये कैसा शुरू हुआ ये क्या शुरू हुआ मालूम नहीं है कहाँ से शुरू हुआ वो तक भी मालूम नहीं है क्या मालूम होता है कि चोरी से यहाँ पर शराब बिक रहे शराब बिक रहे शराब बिक रहे करको बोल को तो कोई भी चीज़ बाहर इजहार होकर नहीं थी सब लोग दिल में है अंदर जज्बात को अपने छुपा ले करते तो जैसा बाहर अब अपडेट आपको मिल गो है तो क्या क्या हालत है यहाँ पर गुजर गई पी वटा यहाँ पीले को सो जाती जो भाई को बच्चा का मसला है पूरा यूथ से ही सो यहाँ पर नौजवान ही सो तो ऐसी जगह पर शराब बिक रहे करको बोले तो सबसे पहले तो ये चीज़ को रोकना है तो रोक को थे जो चीज़ को फिर से शुरुआत हो गए तो शुरुआत कहाँ से हुई है कौन शुरुआत करे इसकी अब ऐसा तो नहीं कि मैं बन कर वाला फिर मई चाको खोल सकती हूँ अति तो हिम्मत मेरे में नहीं है अगर पुलिस को कंप्लेंट करको इन करो बोलता पुलिस क्या वास्ते एक्शन लेकर नहीं है इसके ऊपर नहीं अगर कुछ पॉलिटिक्स इसके अंदर चल रहे करो तो पॉलिटिक्स कौन कर को ही तो इसके ताल्लुक से एक इंक्वायरी होना और दूसरा जो है जो यहाँ पर शराब बेच रही अगर कल रोक को ही
इसके बाद आइंदा अगर एक घुट भी एक ड्राप भी एक पैकेट भी शराब की मिली करो बोले तो पूरा मोहल्ला वाला जो खड़को खड़को ही के घर डेमालिश करने के वास्ते फिर भी एक बहुत माहौल खराब होता है करको बोल को वो चीज को रोक ले को आइंदा से ऐसा काम नहीं होना अगर हुआ अगर वो बोले तो इसके ऊपर जो है अवामी जिसका एक्शन लेते सो ये तो पुलिस को भी हमें ऑलरेडी सुना करी एक इंटीमेशन दे करी यहाँ के जो कॉर्पोरेटर है उनको खुद मालूम है यहाँ पर क्या चल रहा है अगर गोबल को उसके बावजूद भी उन्हें उनके घर में आराम से बैठ को ही अगर बोले तो जिंदगी किसके खराब हो रही सो नौजवानों की जिंदगी खराब हो रही सो पास ही में अल्लाह का घर है मस्जिद बना तो ये सब रुक जाता अगर गोबल को बहुत इत्मीनान था यहाँ के लोगों को या तो हमारे कॉर्पोरेटर साहब रंदे या तो पुलिस डिपार्टमेंट रंदे अगर इनके दोनों की तरफ से भी अगर इस काम को रोका नहीं गया अगर वो बोले तो अवाम के हाथ पे पूरा पूरा इख्तियार है वो अवाम इसके ऊपर आइंदा चलकर डिसीजन लेते हैं। शादी माल जो है भाई को बचाएंगे तो शादियां भी हो रही नहीं। ये शादी माल बहुत हालत खराब है शादी माल की है भाई को बच्ची उठना तो बहुत मुश्किल होगा यहाँ और फुल यहाँ सोल्यूशन शादी माल में रहती रहती शादी माल तो मैं जाको देखो गरीब बचाएंगे तो उठना तो बहुत ही मुश्किल होगा क्या ऐसा हल करो ये करो। देखा आपने देखा यहाँ के घरेलू खातिन से लेकर यहाँ के मर्द हजरात से लेकर यहाँ खुसूसन नौजवानों का भी जहाँ मामला शराब का था वहीं पे मुझे पता जहाँ मामला शराब का था वहीं पे मुझे पता चल रहा है कि इस गंदे माहौल की वजह से यहाँ की जो मासूम बच्चियाँ हैं जो शादी लायक हैं वहाँ उन्हें रिश्ता आना भी यहाँ पे बहुत मुश्किल हो चुका है। माहौल की वजह से उन बच्चियों का भी एक सवाल आ चुका है। इसके साथ साथ यहाँ पे कंपाउंड के पीछे जो शादी माल है वहाँ को लेकर नौजवानों का ये मसला है कि यहाँ पर कई लोग यहाँ पर सोल्यूशन लेकर बैठते हैं तो पूरा माहौल बिगड़ चुका है। ऐसे माहौल में मैं कौशल न्यूज़ से यहाँ के कॉर्पोरेटर और यहाँ के पुलिस स्टेशन जो उदयगिरी पुलिस स्टेशन के लिमिटेड इंस्पेक्टर साहब हैं उनसे और तमाम से जो जो ये न्यूज़ देख रहे हैं तमाम बाफिकर आदमियों को एक आवाज़ दे रहा हूँ कि इन लोगों का साथ दें। इनकी जो आवाज़ है वो हक की आवाज़ है। इनको ये चाहिए कि माहौल में पाकी सफाई हो और इस शराब को लेकर जो लानत है उसको जल्द से जल्द बंद किया जाए। आज जो शिकायत सामने आई है वार्ड नंबर 34 में जिस औरत पर शराब बेचने का इल्ज़ाम था वो यहाँ पे मौजूद हैं। जब मैं जाना कि वो बहुत ही बुज़ुर्ग हैं तो मैं समझता हूँ कि उनसे भी बात करना ज़रूरी है ताकि इनकी भी हालत आपको मालूम हो। अम्मा नि मिस्रे नमा सारे जमा अम्मा ಇದು ಇವರದೆಲ್ಲ ಏನು ಆರೋಪ ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದು ವೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಇವಾಗ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದಿರಾ ಮಾಡಿದೀವಿ ಐದು ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಣ್ಣ ಐದು ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಐದು ಜನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಹಾ 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 ನಾನು ಇರೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರೇ ಬರೋದು ತಿನ್ನೋದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನನ್ನ ಬಂಬು ಬದಲಿದ್ದಾಗ ಬಾಮ್ಮ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಗಸರು ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ನಿನ್ನ ಜಗಳ ಬೇಡ ಆಗಿದೆ ಯಾತಿಕಮ್ಮ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಮಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಪಾರ್ಸಲ್ ಕೊಡುವಂದ್ರು ನಾನು ಅವ್ನ ಹೇಳೋ ಗಂಟ ನಾನು ಇದ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ನ ಹೇಳಿ ಅವ್ನ ಕರೆಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ರಿ ನೀವ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅದು ಯಾರು ರೇಸು ಅನ್ನೋರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪಾರ್ಸಲ್ ಕೊಡು ಅದ್ರು ನಾನು ಪಾರ್ಸಲ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇದಾಗೈತೆ ಅವ್ನ ಕರೆಸು ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ ಅವನ ಹತ್ರನೇ ಐದು ಸರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಭಿಕ್ಷ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ 20,000 ಏಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ನಾನು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟೈತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಡ ಯಾರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅದು ನನ್ನ ಮಗಳಂಗೈತೆ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇರಂಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಎದ್ದಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಓಡಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕಿನ ನಾನು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಿದ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕಿನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಇದೆ इस वर्ष मारी दी नहीं एक मार डाला। देखा आपने इन्होंने कबूल कर लिया है कि पिछले कई सालों से ये शराब बेच रही थी लेकिन अभी हालात और यहाँ के लोगों की जो मुश्किलात हैं उनके मद्देनजर सरोजा अम्मा ने फैसला लिया है कि आज से वो यानी कल ही से जो शराब बंद हुई है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। इस तरह का इनका बयान है। हम भी यही चाहेंगे कि ये लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहें क्योंकि माहौल में मोहब्बत ही ज़रूरी है। अभी आपने देखा वार्ड नंबर 34 में जिस किस्म की शराब की फरोख्त हो रही थी मैंने वहाँ पर जाकर तमाम आपको वहाँ के नज़ारे दिखाए। न सिर्फ आपको वहाँ के नज़ारे दिखाए वहाँ की आवाम खुसूसन औरतों और यहाँ तक के नौजवानों की बातें भी मैंने आपके रूबरू पेश की।
मेरा ये फ़र्ज़ बनता था कि इस वीडियो को पेश करने से पहले इस इलाके के ज़िम्मेदार और साबिक कारपोरेटर कैसी शौकत पाशा से इस बारे में जानने की कोशिश करूँ कि उनका इस सिलसिले में क्या किरदार था, क्योंकि एक तरह का एक बैड इंप्रेशन जा रहा है कि इस इलाके में शौकत पाशा साहब रहते हुए भी इस तरह की शराब फरोख्त हो रही है। ऐसे कई इल्ज़ाम थे, नौजवानों के भी इल्ज़ाम थे कि बाजू जो समुदाय भवन है वहाँ पर बहुत ही किस्म की गलाजत थी, जिसको मैंने वीडियो में ऑलरेडी आपको दिखाया हूँ। लेकिन मुझे तमाम चीज़ों को लेकर शौकत पाशा साहब से मिलना ज़रूरी था ताकि आपको इनका जो वहाँ को लेकर क्या रोल था वो जानने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अभी अभी आपके इलाके में मुझे बहुत से फ़ोन आए, सरोजमान अमी एक औरत शराब बेच रही थी वो बारे में सामने आया, तो मैं जहाँ पे नौजवानों से और औरतों से और नौजवानों से बात किया वहीं पे सरोजमा से भी बात किया, तो सरोजमा का ये कहना है कि वो उम्र हो चुकी है और 5 पार्टनर्स हैं उसके, तो बाकायदा वो कह रही है कि कल तक मैं फरोख्त कर रही थी लेकिन अब लोगों को जो प्रेशराइज कर रहे हैं इस वजह से वो आज से बंद कर चुकी हैं, इस तरह का बयान सामने आया है। और शादी महल की तो हालत बहुत ही ख़राब है सर, इस सिलसिले में आपका क्या कहना है सर? सबसे पहले सरोजम्मा के बारे में अगर ये जो आवाज़ उठी है जी, इसे तकरीबन ये क्या भी नया नहीं है यहाँ पर जी, ये तकरीबन 25 साल से अच्छा जब ये कॉलोनी बनी जी, वो कॉलोनी बनी ना तब से भी जो है ये सरोजम्मा नामी जो औरत है जी, ये औरत वहाँ पर इलिसिट लिकर का धंधा चला रही है। इसके बारे में मैं 2013 में जब यहाँ का नुमाइंदा होकर आया तो जैसे ही मेरा पहला कदम था कि उसको किसी भी हालत में इसको बंद करना ज़रूरी है, उस वजह से मैंने एक्साइज डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट दोनों को साथ में लेकर जो है कई मर्तबा उसके घर पर रेड करवाए और वहाँ पर जो शराब जो बेची जा रही थी उसको सीज कर उसे अरेस्ट कर जो है जेल को भी भेजा गया। अच्छा, बहुत कई कोशिशें करने के बाद में वो औरत जो है सरोजम्मा वो आकर मेरे से गिड़गिड़ाने लगी कि मेरे पेट की कोई रोजी नहीं है, मेरा अपना घर नहीं है, मैं बड़ी मुश्किल से कुछ थोड़ा बहुत ये कर रही थी, वो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ बोलकर। तो उस वक्त मैं बोला तेरी रोजी के लिए एक छोटा मोटा दुकान और तेरे वास्ते में जो कुछ एक दुकान के वास्ते में कुछ एक छोटा बजट डाल कर मैं दूंगा, तो ये धंधे से तू बाहर निकल जा, निकलने के बाद में जो है लोगों में इज्जत भी रहती है, तेरी ज़िंदगी कैसा है उसे चला लेकर जा बोलकर। उसके तहत मैंने सबको जमा कर उसे एक फंक्शन कर वहाँ के लोगों को सब साथ में लेकर जो है उसे नई साड़ी और उसके साथ में उसके धंधे के लिए थोड़े पैसे 5,000 रुपये और सब देकर जो है लोगों में आज से ये सरोजम्मा जो है ये धंधा नहीं करेगी, आप सब इसे धुतकारो मत, साथ में लेकर जो है जो होता है मदद कर रही से आइंदा लेकर जाओ बोलकर। लेकिन ये इसके फोटोग्राफ्स और इसका जो फंक्शन हुआ था ये सब मेरे पास रिकॉर्ड के साथ में मौजूद है जो मैं आपको दे रहा हूँ। बिल्कुल, ये एक ही नहीं, इसके साथ में कई मर्तबा उदयगिरी पुलिस स्टेशन में उदयगिरी पुलिस स्टेशन से जो संतोष इंस्पेक्टर थे उनको बुलाकर 1 से 10 मर्तबा वहाँ पर मैंने मीटिंग करवाई कि ये शराब नवेशी बंद करने के बारे में और वहाँ पर जो सोल्यूशन जो नौजवान सोल्यूशन में कभी भी भरकर रहते हैं उनको सब भी जो है वो रिहैबिलिटेट करने के लिए वहाँ से रोकने के लिए ये कार्रवाई कराने के वाले महीने में एक मीटिंग जो है मैंने रेगुलर कराती रही। यहाँ तक कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस वाले भी आकर जो है मेरे साथ में इन्वॉल्व रहे और चीखो पुकार के साथ में जो है ये यहाँ पर जो शराब नवेशी का धंधा है उसे बंद कराने की कोशिश करें। सर 25 साल से जैसा कि आपने कहा कि 25 साल से धंधा चल रहा था, तो आप ये सरोजम्मा को जो उनकी जो हालत है यानी उनको मदद की खातिर आपने जो काम किया वो कितने साल पहले किया था सर? ये तकरीबन 7-8 साल पहले। अच्छा, उसके बाद ये धंधा तो कंटिन्यू चल रहा है? नहीं, ये वो थोड़े दिन रुक गया था वो। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या है, सरोजम्मा का मसला नहीं है जी। सरोजम्मा जो है 20% 10% के लिए काम करती है। हाँ। वहाँ के थोड़े नौजवान जो अभी तुमने बताया कि वो वहाँ के चंद लोग एक 4-5 पार्टनर्स हैं, ये पार्टनर्स जो है ये धंधा उन्हों अपने घरों में रख कर वहाँ से इसको सप्लाई कर इसके हाथ से सेल करा कर इसे 20% और 70-80% जो है आपस में बांट लेते हैं। इनके नाम और इनके डिटेल्स पूरे जो है उदयगिरी पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं और कई मर्तबा उनको मैं मालूम करा कर हूँ, उसके बावजूद जो है वहाँ पर ये जो है चोरी का धंधा कर रहे हैं।
मुझे प्रॉब्लम क्या है, अगर लोकल लोग जी, लोकल जो अतराफ के इकनाफ के लोग हैं, अगर पूरी तरह वो होशियार रहें, अगर वो रोकें, तो ये काम करने में बहुत आसानी होती है। उनका कोऑपरेशन मुझे, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब भी हम लोग वहाँ पर गए हैं, तो अड़ोस पड़ोस के लोग या सामने वाले लोग, इसके अतराफ और इकनाफ के लोग, जहाँ पर ये धंधा चलता है, ये पूरे अपने घरों में छप जाते हैं, सामने आते नहीं, बोलते नहीं। यहाँ तक के इन्फॉर्मेशन क्या है बोले तो, इन लोगों को सब भी जो है छोटा छोटा कमीशन वगैरह दिया जाता है, जिसमें ये लोग मिलकर जो है उसके कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसकी वजह एक नंबर एक। दूसरी बात क्या है, बाज़ अड़ोस पड़ोस वाले डरते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर वो करे बोले तो सोल्यूशन वगैरह मारने के बाद में रातों में आकर गाली गलौज करना, घरों पर पत्थरे फेंकना, इस तरीके का एक प्रॉब्लम करते हैं बोलकर। मैं बिलखसूस उदयगिरी पुलिस स्टेशन से ये कई मरतबा, एक मरतबा नहीं, मैं 8 से 10 मरतबा उसे औरत को अरेस्ट कर कर जेल भेज कर ला कर वार्न किए हैं। वहाँ पर एक बिलखसूस 7-8 लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, जिनका जीना और उनका ज़िंदगी जो है उसमें इन्वॉल्व है, उनका इसी पे चल रहा है। अच्छा। तो इन लोगों को अरेस्ट करना, इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई करना, ये बहुत अहम और ज़रूरी है। यहाँ तक के वहाँ पर विवेकानंदा यूथ मूवमेंट, ये लोग वापस आने के बाद में एक उनका एक प्रेरणा बोल के एक प्रोग्राम रहा, जिसमें 5 साल के लिए वो जो है धत्तू वो एरिया जो है स्लम्स अपने इसमें अडॉप्शन के एक काम चल रहा था, वहाँ के वॉलंटियर्स पूरे आकर बहुत मेहनत किए हैं, वहाँ की पाकी सफाई के बारे में, वहाँ की गलाजत दूर करने के बारे में, उनके उन लोगों के डॉक्यूमेंट्स सही करवाने के वास्ते में, वहाँ पर जो कोविड के टाइम पर वैक्सीनेशंस दलवाने के बारे में, बच्चों को स्कूल्स में जमाने के वास्ते में, और फैमिली इश्यूज जो रहते हैं वहाँ पर डिस्कस करने के बारे में, तकरीबन लगातार जो है 5 साल वहाँ पर काम हुआ है। 5 साल काम करने के वक्त हर मरतबा 2-3 महीने में एक जो मीटिंग होती थी, वो मीटिंग में बुलाकर वहाँ का प्रोग्रेस जो चल रहा था, वो प्रोग्रेस के बारे में भी, उसी जो समुदाय भवन था उसे पाक सफाई, पहले जब मैं वहाँ पर गया था तो समुदाय भवन में पूरा दारू के बाटल और वहाँ पर गैरगरत लोग जो है उसे अपना अड्डा बनाकर वहाँ पर जुआ खेलना, शराब पीना, ये सब था। मैंने ज़बरदस्ती उसे कुफल फोड़ कर जो है पूरा खाली कर कर पाक करा कर वहाँ पर छोटे मोटे ये विवेकानंदा यूथ मूवमेंट की जानिब से जो ट्रेनिंग्स होते हैं, सेविंग मशीन की ट्रेनिंग रहने दो, आर्टिफिशियल इसकी ट्रेनिंग होने दो, ये ट्रेनिंग्स के काम में बहुत सारे औरतें वहाँ पर जमकर जुड़कर जाएं, ट्रेनिंग बहुत सारों की हो चुकी है, बहुत सारों को सेविंग मशीन्स वगैरह से भी दिया गया है, और लोगों को हर महीना जो है पाकी सफाई के बारे में, दूध बांटने के बारे में, ये सब चीज़ें जो भी चल रही हैं वो पर चल रहे हैं। लेकिन अभी ये सब होने के बाद में, प्रेरणा का 5 साल का टाइम पूरा होने के बाद में, समुदाय भवन जो है वो वहाँ पर फिर से जो है चंद गुंडे मवालियाँ जो हैं वहाँ में उसे पाकी सफाई करा कर पूरा लॉक अगर डाले हैं, तो आकर लॉक तोड़कर अंदर जाकर सोल्यूशन मारकर रात भर सोए पड़े रहते हैं। इसी के लिए मैं तकरीबन 1-2 महीने पहले पुलिस कंप्लेंट कर लगाकर एक आदमी जो वहाँ पर 3 दिन से सोया हुआ था उसे खींच के बाहर डालकर, और दो जो गलीज चीज़ें थे पूरा उठा के बाहर डालने के बाद में, चंद पुटारियाँ जो हैं वहाँ के लोकल जो रेसिडेंट्स हैं उनके ऊपर गलाटा कर कौन आता है देखेंगे, कैसा फुड़ती देखेंगे करके उनके ऊपर जुल्म करने की कोशिश करें। उसी वक्त उनके नाम वगैरह देकर मैं वहाँ से पुलिस को ये करने के बाद में, पुलिस बिलखसूस वो नाम के साथ में उन लोगों को ढूंढ कर उसे वार्निंग, डायरेक्ट वार्निंग देकर अभी वो काम बंद है। मैं कॉरपोरेशन से वो ये जो है समुदाय भवन उसे डेवलप कर एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए कुछ फंड्स के लिए बोला था, थोड़ा फंड 7 या 8 लाख का फंड आया था, जिसमें थोड़ा काम हुआ है, और अभी भी जो है एक फंड वहाँ पर देकर उसको वो फेंसिंग वगैरह जो है वो फेंसिंग को वॉल को कचरा वगैरह अंदर नहीं फेंकना, गलाजत नहीं करना बोलकर कंपाउंड वॉल जो 4 फीट थी उसको 7 फीट बनाने कराए हैं।
इधर से नहीं जाना बोलकर, और गेट वगैरह रिपेयर कराए हैं, और थोड़ा फंड की वास्ते में मैं डिमांड किया हूँ। इंशाल्लाह थोड़े दिनों में और फंड आने के बाद में वो जो यहाँ पर पूरा गलीज वगैरह पड़ा है उसको पूरा मॉडिफाई कर बेहतरीन बनाने का एक प्रोग्राम हमारे सामने है। अच्छा, एक जी। और दूसरी बात, हमारे सामने ये पहले जो था वो वार्ड नंबर 55 में था, अभी वो वार्ड नंबर 34 होने के बाद में जब डीमार्केशन हुआ है, वो डीमार्केशन होने की वजह से ये केएससीबी कॉलोनी के पूरे तकरीबन 350 घर हैं। ये 350 घरों में ये दो हिस्सों में बढ़ गया है, एक वार्ड नंबर 32 को जाता है एक हिस्सा, आधा हिस्सा वार्ड नंबर 34 को आता है। तो इसमें 32 और 34 ये दोनों का भी बीच में एक देवल है, वो देवल के पास, और उसके बाद में हमारे आंगनवाड़ी जो स्कूल है स्कूल के पास, और ये सरोजम्मा का एक अड्डा, ये तीन अड्डों में ज़रा प्रॉब्लम बहुत ज़रा ज़्यादा है। इसके वास्ते में हमारी कोशिश जारी है, और इसको अगर रोकना है तो वहाँ के लोकल लोग जब तक साथ नहीं आते तब तक ये काम करना मुश्किल है। और लोकल पुलिस तो तभी तभी जब भी इंफॉर्मेशन मिलता है तो उन्होंने अपनी तरफ से अपनी जानिब से पूरी काम करने, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते नहीं। जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलता तो सबसे पहले उन्होंने आने के पहले जो है अड़ोस पड़ोस वाले से भी पूरे जो है अपने घरों में घुस जाकर कोई भी एक आदमी भी सामने फलां चीज़ है, फलां गलत हो रहा है, फलां ऐसा तकलीफ है बोल के जो बोलना है वो बोलने के लिए पीछे हटते हैं। ये बहुत बड़ी कमजोरी है सर। मैं आज आप मैं जब गया था आंखों देखा हाल ये देखा है कि वहाँ पे खातिन डरी हुई हैं, आजू बाजू जो है वो सामने आकर बयान भी दिए हैं कि इस तरह का माहौल है, क्योंकि हमारे जो मर्द हजरात होते हैं सुबह निकलते हैं शाम में आते हैं, तो उस वक्त तक जो शराब लेने आते हैं तो गालियाँ बकते हैं, इस तरह का माहौल है। और मैंने देखा कि सरोजम्मा के घर के बिल्कुल सामने एक थैला था जिसको खाली करने से पता चला कि वो तमाम बोतलें बाहर आई। तो उसके बाद शादीमाल की जैसे आपने बात की, बाकी सफाई हो चुकी थी, लेकिन अब मैंने जो देखा है मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ, उतनी गिलाजत है। नौजवानों ने ताला तोड़कर मुझे अंदर ले जाकर वहाँ पे चीज़ें दिखाई हैं। सर, मेरा आपसे एक अखलाकी तौर पर मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि क्यों ना एक बार और इस तरफ पहल की जाए, क्यों ना लोगों को जो आप कोऑपरेशन देने के लिए तैयार हैं, और एक आप पर इल्ज़ाम भी लगाए चंद लोग के कारपोरेटर साहब कुछ नहीं कर रहे यहाँ पे, हमें कुछ करने के लिए कही है बोलकर, तो क्यों ना एक बार और पहल करके वहाँ पे उन्हीं लोगों को जो वहाँ पे है मौजूद उन्हीं पे जिम्मेदारी देकर कुछ एक नया पहल क्यों ना करें सर। नहीं, इंशाल्लाह मैं इसके बारे में बहुत गंभीर से सोच रहा हूँ जी। इंशाल्लाह वो एक तो अभी मैं फंड्स के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ, जैसे ये फंड्स आ जाएगा तो सामने का गेट और अंदर का जो गेट है ये दोनों को बदलना है। जब तक ये दो नहीं बदलते तो वहाँ पर एक सिक्योरिटी नहीं बनती। वो बनने के बाद में और अंदर के टाइल्स वगैरह डालकर वो छोटे मोटे फंक्शंस के लिए देकर या ट्रेनिंग के लिए वो इंशाल्लाह मकसद करने की मेरी सोच है, और मैं बाकायदा उनके साथ में हूँ। और जो भी है जब भी मुझे कॉल्स आते हैं वो कॉल्स को मैं अटेंड कर रहा हूँ, और बाकायदा जो है पुलिस जहाँ पर मुझे पुलिस का सपोर्ट लेना है वहाँ पर मैं पुलिस को भी भेज रहा हूँ, वो काम इंशाल्लाह ज़रूर होगा। और एक बात मैं आज तुम्हारे चैनल के मुताबिक चैनल के तहत कहना चाह रहा हूँ, सामने जो पार्क है जिसे सोल्यूशन पार्क बोलकर नाम लेने से अच्छा नहीं लगता, नहीं वो अच्छा नहीं लगता। वहाँ के लोग जो हैं वहाँ पर ये सोल्यूशन का मार उस एरिया में बहुत ज़्यादा है जी सर, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है। ये सोल्यूशन के मार्कर जो है ये वहाँ के लड़के नहीं इधर उधर के सब आते हैं पूरा ये काम कर रहे हैं, बदल कर एक नई नहीं, इसीलिए अभी हमने एक प्रोग्राम बनाया है, इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर उसका रिजल्ट सामने आएगा। उस पार्क को जो है मैं एक खेल का मैदान में कन्वर्ट करने का सोच रहा हूँ। यहाँ से हमारे तुमकुर के खालिद साहब बोलकर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने कर्नाटक में या बाहर के मुल्कों में सब में मिलाकर तकरीबन 50 पर 6 स्कूल्स चला रहे हैं, उन सब की ये सोच है, उन्होंने मैं उनसे भी बात किया हूँ, वो लोग कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, और वो पब्लिक प्राइवेट और कॉरपोरेशन इन सब को इन्वॉल्व कर वहाँ पर पूरी उसकी अंदर की पाकी सफाई कराकर उसको एक खेल का मैदान बनाकर जो है अंदर ये नौजवान जो अपने ये सॉल्यूशंस में इसमें ये से जो बिगड़े हुए हैं जो भटके हुए हैं इनको
एक स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स के जरिए से उनको साथ में लाकर चेंजेस करने का एक सोचा है। इंशाल्लाह ये बहुत जल्द वहाँ पर ये काम शुरू होगा। हम भी यही उम्मीद करेंगे सर, शुरू होगा। आपने देखा जिस तरह मैंने उम्मीद लेकर यहाँ पे आया हुआ था, उसी मुआफिक शौकत पाशा साहब ने तमाम बातें साफ कर दी हैं। और उस वक्त के जो साल डेढ़ साल पहले जो कारगुजारी हुई थी वो वीडियोस आपको मैं दिखा रहा हूँ, ताकि आप मालूम हो कि आप वहाँ पे क्या हुआ था। क्योंकि सिर्फ ज़ुबानी बातों से कोई यकीन नहीं करता, इनकी तरफ से जो कोशिश की गई थी वो भी बताना मेरा फ़र्ज़ है। और रही बात आज सरोजमा के तलक से हो या वहाँ पर शादी महल के तलक से, तमाम बातें साफ कर दी हैं कि बहुत जल्द इस बारे में न सिर्फ पाक की सफाई बल्कि वहाँ के मुकामी लोगों को साथ लेते हुए उस माहौल को सुधारने की कोशिश की जाएगी। और इससे बढ़कर मैं सवाल करने से पहले उन्होंने खुद बता दिया कि जो वो नाम है सॉल्यूशन पार्क, वो नाम बोलने से ही बहुत ही अजीब लगता है। इस नाम को इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक 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 खेल का एक हब बनाया जाएगा वहाँ पे, ताकि उन नौजवानों को जो मंशियात की लत में लग चुके हैं, उनको कुछ भी पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, ऐसे नौजवानों को एक तरह का एक स्पोर्ट्स हब देते हुए उस पहल की तरफ भी शौकत पाशा फिक्र कर रहे हैं। इंशाल्लाह जिन लोग सामने आ रहे हैं उनको ये दावत दी है। बहुत जल्द मुझे भी यकीन है कि इस इलाके में जो उस नाम को लेकर बदनाम किया जा रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द दिल्ली की मैं भी उम्मीद करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।